नमस्कार दोस्तों, ये मेरी बुलेट स्टैंडर्ड 350 है, अगस्त 2022 मॉडल। उसके 1 ईयर के रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं आफ्टर यूज़। तो भाई, अभी रॉयल इनफील्ड ने जो अपनी बुलेट गाड़ी है इसको अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड का मॉडिफाइड ही हो गई पूरी। अपग्रेड तो क्या है, इंजन ही चेंज हो गया उसका, गाड़ी चेंज हो गई है। अभी वैसे अभी उसमें क्लासिक का इंजन आना स्टार्ट हो गया है, और ये जो बुलेट है BS6 350 2022 मॉडल है। और नई वाली बुलेट का कोई कंपैरिजन नहीं है इससे। तो जो नई वाली बुलेट है वो बिल्कुल अब क्लासिक मान लो, बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, जो बाकी पूरी वो क्लासिक है। और क्लासिक और बुलेट स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस है। इनके इंजन डिफरेंट है, इसकी क्रैंक हैवी आती है तो किक भी हैवी आती है डेफिनेटली। इसमें सेल्फ भी नहीं आता है, और जो किक में मज़ा है वो अलग फील है किक का। तो इसलिए अभी जो भाई पुरानी बुलेट को पसंद करते हैं वो नहीं ले पाएंगे, और लेंगे तो मे बी सेकेंड हैंड ले सकते हैं, तो शायद सेकेंड हैंड के प्राइसेस भी एनहेंस हो जाएं, पहले से बढ़ जाएंगे। तो रिव्यू मेरा ये कहता है कि यार ये बाइक सुपर है, अल्टीमेट बाइक है। लुक अब टैंक की, अभी टैंक में ये हैंडमेड डिज़ाइन तो है, बट जो न्यू टैंक है न्यू बुलेट का, बट उसमें शेप ये नहीं है, फ्रंट हेडलाइट की भी शेप ये नहीं है। इसमें बेशक डिजिटल मीटर वगैरह नहीं आता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना बुलेट की, जो रेट्रो फील देती है, ये अल्टीमेट है। तो भाइयों, जो बुलेट लवर्स हैं बंदे, उनके लिए बैड न्यूज़ है कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी बुलेट गाड़ी को चेंज कर दिया है। बस यही बताना चाहूँगा, जो भी भाई लेना चाहता है वो सेकेंड हैंड बुलेट के लिए जा सकता है। BS6 मिल जाएगा उनको सेकेंड हैंड, बट रेट मे बी रेट कम नहीं होंगे। ओके भाइयों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। Thank you for watching. Thank you so much.